Hello friends, welcome back to my channel and this is SK Sharma. And again in this video, I'll be telling you about the last topic of real numbers class 10 mathematics. इसके पहले मैंने real numbers पे दो videos upload किए थे and I hope आप लोगों ने उसको देखा होगा and समझा होगा. जिन बच्चों ने उनको देखा नहीं है, I will share the link in the description box. Do watch those videos, very important one. एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. लास्ट टॉपिक है रियल नंबर्स का एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यू नो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, राइट? बहुत यूजफुल वीडियोज है एंड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? So, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं थ्योरम अगेन. ये थ्योरम है 1.5 एनसीईआरटी बुक से एंड द वर्ड्स ऑफ द थ्योरम आर लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल टर्मिनेट्स. ठीक है, मतलब डेसिमल हम डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग डेसिमल, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स इट टर्मिनेट्स एंड देन वी कैन एक्सप्रेस एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. P by Q, you know, rational number, every rational number can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are co-primes. Now, काफी बच्चों को याद नहीं होगा कि co-primes होता क्या है. Friends, बहुत simple है. Any numbers, any group of numbers, any two numbers, जिसके only एक common factor है and that is one. जैसे for example, 2, 5, 7, यू नो ये सारे नंबर्स के एक ही कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 1. ओके, तो ये सारे हो गए को प्राइम्स. लाइक दैट इफ सपोज आई राइट 9, 10, 11, नाउ 9, 10, 11 के यू नो कॉमन फैक्टर जो है एंड दैट इज ओनली 1, मतलब 1 ही ये नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. सो ऑल दीज नंबर्स आर को प्राइम्स. तो यहां पे P by Q फॉर्म जो है, यहां पे P और Q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, दैट मींस दे आर को प्राइम्स. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं तो वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ m इनटू 5 टू द पावर ऑफ n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब यू नो नेचुरल नंबर होने चाहिए. ठीक है, तो ये है थ्योरम. लेकिन यहां से ज्यादा आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग कुछ सम्स इस थ्योरम के ऊपर वर्कआउट नहीं कर लिए. ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां से आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी. ओके गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं एंड ये एक रैशनल नंबर है 189/125 एंड हमें यहां पे बताना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. यही आपको करना है इस एक्सरसाइज में. हम लोग इजीली पता लगा सकते हैं कोई भी यू नो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर को, कि वेदर इट टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट्स. तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम डेनोमिनेटर, यहां पर डेनोमिनेटर 125 है. ठीक है, तो ये 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 5 टू द पावर ऑफ 3. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 टू द पावर ऑफ 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट 125. तो दैट मीन्स यहां का जो डेनोमिनेटर था 125, इसको हम 5 टू द पावर ऑफ m एंड 2 टू द पावर ऑफ n इस फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं एंड देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ m इनटू 5 टू द पावर ऑफ n. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 17/6 वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग.
Now, six denominator का अगर हम लोग factorization करते हैं तो we get 2 into 3. So obviously 2 है लेकिन 5 का power नहीं है. So that means it is non-terminating. अगर कोई भी डेनोमिनेटर को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी डेनोमिनेटर को 2 टू द पावर ऑफ m इनटू 5 टू द पावर ऑफ n फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिविजन. तो सबसे पहले हमें 455 का फैक्टराइजेशन करना होगा एंड फैक्टराइजेशन के लिए ऑब्वियसली दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3. सो स्टार्ट डिवाइडिंग 5. 5 9 जा 45, 5 1 जा इट इज 91 इज डिविजिबल बाय 7 यू गेट 13. अगेन 13 इज डिविजिबल बाय 13 यू गेट 1. सो वी कैन राइट दिस एज 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 into 13. So obviously this number is also non-terminating number because यहाँ पे 2 का power missing है, right? Okay friends, ये एक example हम लोग ले लेते हैं NCERT की book में है and we have to find without actual division कि this number is terminating or non-terminating. So सबसे पहले step क्या करेंगे हम लोग 3125 का factorization करेंगे, right? Obviously, this is not divisible by 3, so you have to take 5. 5, 6 are 30, 5, 2 are, and 5, 5 are. Again 5, and again 5, 5, 5 are, like that. So this can be written as 5 to the power of 5. Now we can add here 2 to the power of 0. Both the sides, right? So that means this is terminating. ये terminating number है because इसको हम 5 to the power of m into 2 to the power of n में denote कर सकते हैं. Okay? Okay friends, एक और example ले लेते हैं. ये भी NCERT book में है. And this is the question and you have to answer that whether it is terminating or non-terminating without actual division. ओके, जैसे कि हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं दैट द डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है. ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ 2, 5 टू द पावर ऑफ 7 इनटू 7 टू द पावर ऑफ 5. तो यू नो ये जो दोनों पेयर है ये दोनों यू नो 2 टू द पावर ऑफ m इनटू 5 टू द पावर ऑफ n फॉर्म में है बट दिस इज नॉट देयर. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 7 यहां पे 7 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल मेक इट नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n. ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी इस सम को ट्राई किया था एंड हम लोगों ने इसको लाइक यू नो वी फाउंड आउट कि दिस इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. Now, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको करना है विदाउट एक्चुअल डिविजन, राइट? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी भी किया था 3125 को 5 टू द पावर ऑफ 5. ओके, नाउ इसका डेसिमल एक्सपेंशन के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. 2 टू द पावर ऑफ 5 न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर अब दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको. यू नो जो नंबर आप नीचे लिखेंगे वही आपको ऊपर लिखना है सो दैट रिड्यूस करने के बाद यू गेट द सेम नंबर. ओके, यहां पे मेन हमारा ऑब्जेक्ट है कि इनको इन मल्टीपल्स ऑफ 10 लेके आना है सो दैट वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिविजन. फाइन, नाउ 13 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 एंड 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5. Now using the laws of indices, we can write this as 10 to the power of 5. Okay? And
यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 13 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 5, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ओके, सो दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 5, दैट मीन्स 5 जीरोस, ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस 13 टू जा 26, 39 प्लस 2 इज 41 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ओके, नाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म एंड दैट विल बी 0. देयर आर 5 जीरोस, तो आपको डेसिमल के बाद में 5 डिजिट चाहिए, उसमें से 3 डिजिट ऑलरेडी ऊपर है, तो यू जस्ट नीड टू ऐड 2 जीरोस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? ओके फ्रेंड्स, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है एंड यहाँ पे आपको बताना है कि वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल नंबर, एंड दूसरी चीज जो आपको करनी है, इफ इट इज ए रैशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ऑलराइट, ऑब्वियसली दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इसके जब हम लोग डेसिमल को हटा देंगे, यू नो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स हैं, दैट मींस 1 and 9 जीरोस, देयर वी आर विथ 9 जीरोस, राइट? नाउ सेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट दिस एंड दिस जो डिनोमिनेटर में है इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2 into 5 टू द पावर ऑफ 9 बिकॉज देयर आर 9 जीरोस, तो यहां पे पावर हमने इनफैक्ट इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 10 टू द पावर ऑफ 9, राइट? नाउ नाउ अगेन 10 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 2 into 5, ओके, अगेन 2 टू द पावर ऑफ 5, दैट मींस यू नो 2 into 5 टू द पावर ऑफ 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 9, ओके, यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, सो हियर द वैल्यू ऑफ क्यू, ओके, ये पी ए एंड दिस इज क्यू, so the value of q in the factorization form will be 2 to the power of 9 into 5 to the power of 9, so this is how you have to work out, okay friends, that's all in this chapter and I hope ki aap logon ko bahut cheeze samajh mein aayi hogi, do practice this questions, ye questions important hain, exams mein aate hain and the board exams hain, to inki practice karna bahut zaruri hai, एंड जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है मैथ्स के ऊपर, यू नो दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल विद द लिंक ऑफ विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर.